स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GSV तासु पर। BPSC टीचर से रिलेटेड पल पल का अपडेट पाने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं आज का अपडेट जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है सभी के लिए। BPSC की साइट पर अभी अभी एक ऑफिशियल नोटिस आई है, चलिए देखते हैं क्या क्या है। कुछ इसमें फिर से संशोधन किया गया है अर्हता को लेकर। बिहार लोक सेवा आयोग आवश्यक सूचना। शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 69,706 पदों एवं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत कुल 916 पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 4/11/2023 को विज्ञापन संख्या 27/2023 प्रकाशित किया गया था। उस क्रम में प्राप्त शिक्षा विभाग के पत्रांक 2042 दिनांक 11/11/2023 के द्वारा उपलब्ध शिक्षा विभाग की अधिसूचना 2041 दिनांक 11/11/2023 के आलोक में विज्ञापन की कंडिका 2A(1) को निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है। पहला है, वर्ग 6 से 8 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता निम्नत होगी, स्नातक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त डिग्री और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे किसी नाम से जाना जाता हो। दूसरा है, कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक या स्नातकोत्तर तथा BEd, अथवा में दिया गया फिर न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा साथ में 1 वर्षीय स्नातक BEd, जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड तथा क्रियाविधि विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो। फिर है, अथवा में न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एम 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी कि BLED। फिर अथवा में है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एम 4 वर्षीय BEd, BSc या BEd या BSc 8 को। फिर अथवा में दिया गया है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ साथ स्नातक तथा 1 वर्षीय BEd जो कि विशेष शिक्षा में किए गए हों। फिर अथवा में दिया गया है, न्यूनतम 55% अंकों के साथ अथवा इसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत BEd या MEd। फिर अथवा में दिया गया है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ BCA अथवा तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो। BEd विशेष शिक्षा में न्यूनतम 55% अंकों के साथ अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ MCA और 3 वर्षीय एकीकृत BEd तथा MEd। इसमें आपका MCA को दिया गया है तथा BBA को नया एड इसमें हुआ है। फिर अथवा में दिया गया है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड तथा क्रियाविधि विनियम 2014 के तहत इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषता हो तथा BEd होना अनिवार्य है, इसमें इंजीनियरिंग को भी ऐड किया गया है। फिर आपका अथवा में दिया गया है, BSc यानी कि बायोटेक्नोलॉजी एम BSc इलेक्ट्रॉनिक्स तथा BEd, वर्ग 6 से 8 के भाषा विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा यानी कि ऑनर्स, आनुषांगिक यानी कि सब्सिडी विषय के रूप में संबंधित भाषा विषय पठित हो, यथा संस्कृत भाषा के शिक्षक संस्कृत में स्नातक शास्त्री की उपाधि, उर्दू शिक्षक के लिए आलिम की उपाधि अथवा उर्दू में स्नातक किया गया हो। तीसरा पॉइंट में है, वर्ग 6 से 8 में सामाजिक विज्ञान विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान में कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो, इसमें आपका BCom वाले भी आ जाएंगे। लास्ट नंबर पर दिया गया है, वर्ग 6 से 8 के गणित एवं विज्ञान विषय के लिए स्नातक स्तर पर गणित, सांख्यिकी, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान में कोई 2 विषय पठित हो।
शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा विशेष शिक्षा तथा बीएड विशेष शिक्षा के लिए केवल भारतीय पुनर्वास परिषद यानी कि आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा। ऐसे योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा। ऐसी योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा मान्यता प्राप्त 6 माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा। संबंधित विद्यालय अध्यापक को इस प्रशिक्षण को पूर्ण करने हेतु 6 महीने का संवैतनिक अवकाश मान्य होगा। दिनांक 4/11/2023 एवं 10/11/2023 को प्रकाशित विज्ञापन संख्या 27/2023 की शेष शर्तें यथावत रहेगी। अभी का नोटिस है, डेट भी देख सकते हैं। थैंक यू।